राधे राधे, आज मैं कान्हा जी के लिए ये गर्मियों की देखो कितनी सुंदर नेट से बनी हुई और बिल्कुल मतलब बिना जरी वाली लेस से बनी हुई प्यारी सी ड्रेस बना कर लाई हूँ। देखो इसमें कोई ये जरी नहीं है, कोई मोती नहीं है और ये गर्मियों की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस है कान्हा जी की। ये बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। देखो इसके लिए ये अलग अलग तरह की नेट आती है। देखो जैसे ये फिरोजी कलर की है, ये गोल्डन कलर की है और ये प्रिंटेड, ऐसे प्रिंटेड भी नेट आती है। आप इसको प्रिंटेड नेट से भी बना सकते हो। ये देखो, और ये 5-6 नंबर के कान्हा जी के लिए बनी है ड्रेस। ये 6 नंबर के कान्हा जी के लिए बहुत आराम से आएगी। इसकी लंबाई मैं आपको नाप के बताती हूँ कितना आपको कपड़ा चाहिए। देखो हम इसको ऐसे नाप रहे हैं। देखो इसको हम ऐसे करके नापेंगे, एक साइड से ऐसे ऐसे रखेंगे और ऐसे नापते जाएंगे। तो इस तरह हमें ये 38 इंच चाहिए, इतना। ये हमें 38 इंच लंबी एक सीधी पट्टी चाहिए। अगर आपको छोटे कान्हा जी की ड्रेस बनानी है तो आप इस लंबाई को कम रख सकते हो। देखो जितना भी आपको ये सर्किल चाहिए, आप अपने कान्हा जी की कोई भी ड्रेस नाप लीजिए, जितना भी ये सर्किल होगा उनका गोल, उसका आप चुन्नट देने के लिए डबल कर लीजिए या उसका आधा थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जैसे 40 इंच है तो 60 इंच कर लीजिए ऐसे, और अगर 20 इंच है तो 30 इंच कपड़ा ले लीजिए। अब इसकी ये देखो चौड़ाई, ये हमें चाहिए 5.5 इंच, ऐसे हमें 5.5 इंच चाहिए। ये आप अपने कान्हा जी की रेडीमेड ड्रेस से भी नाप सकते हैं उनके नाप को और फिर ऐसे बना सकते हैं। देखो ये बनाने में बहुत इजी है। अब हम इसके लिए देखो हम ये वाली एक पट्टी ले रहे हैं, जितनी बड़ी ये हमारी पट्टी है उतनी ही बड़ी हमें ये बुकरम चाहिए। देखो ये बुकरम हमने इसमें कितनी लगाई है, डेढ़ इंच चौड़ी, 1.5 इंच चौड़ी हमने बुकरम लगाई है। और जो ये लेस है ये हमारी है कटाओ को मिला के 2.5 इंच चौड़ी, 2.5 इंच चौड़ी हमने लेस लगाई है। इसमें लेस आप मोटी पतली कैसी भी लगा सकते हो। देखो मार्केट में एक इस तरह की भी कॉटन की लेस आती है जिसमें जरी नहीं होती, ये वाली लेस अगर आप इस पे लगवाओगे तो ये भी बहुत अच्छी लगेगी। और इसी लेस की हमने इसमें चोली बनाई है और लेस में भी हमने ये नेट लगाई है। देखो ऐसे आप ये आरकंडी के कपड़े से भी बना सकते हो। ये वाली ड्रेस आरकंडी के कपड़े से भी बनी है लेकिन नेट में ज़्यादा शाइनिंग होती है तो नेट से ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब इसकी चोली देखो, इसकी चोली के लिए हमें 7 इंच, 7 और हमें 1 इंच, 7.5 इंच कपड़ा चाहिए। 7 इंच ये तैयार है और 1/2 इंच दोनों तरफ सिलाई के लिए चाहिए। 7 इंच की ऐसे लंबी आप 2 पट्टियाँ लेंगे और इसके लिए हमें ये 2 इंच ये चौड़ाई चाहिए, ऐसे 2 इंच चौड़ी और 7.5 इंच ऐसे लंबी पट्टी, 2 पट्टियाँ चाहिए आपको चोली बनाने के लिए। तो सबसे पहले जब आप ये चोली वाली पट्टी लेंगे, इसमें देखो जब हम ये चोली की पट्टी लेंगे तो ये पट्टी हमें ऐसे लेनी है, ये वाली हमने ऐसे सीधी पट्टी ली है। सीधी पट्टी लेने के बाद हमने अपनी इस नेट वाली पट्टी पे ऐसे लेस लगा ली है, ऐसे देखो, देखो जैसे हमने इस वाली नेट में ये लगाया है ऐसे। फिर जब आप ये वाली पट्टी ऐसे इसमें लगा लेंगे, ऐसे आपको सिंगल सिंगल लेनी है, ऐसे लगाने के बाद आपको यहाँ पे एक या तो आप रिबिन ले लीजिए ऐसे जो कान्हा जी को चुभेगा नहीं, तो इसको रिबिन को आप यहाँ से ऐसे लगाएंगे ऐसे, ये देखो सुई से, और फिर इसको ऐसे मोड़ देंगे ऐसे। और इधर अगर आप कटाव वाली लाते हैं तो इधर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लगानी है। इसको आप मशीन से भी लगा सकते हो और सुई से भी लगा सकते हो। इस तरह देखो आपकी ये सारे में लगी है नीचे तक, जो ये खुला हुआ भाग है इसमें चोली में अलग लगाई है और ये देखो नीचे अलग लगाई है। और ये देखो इतनी बड़ी ड्रेस बनाने के लिए आपको ये घेर कितना चाहिए,
इसका नाम बताती हूँ मैं आपको, देखो ये हमें 5.5 इंच चौड़ा ऐसे घेर चाहिए बड़े कान्हा जी के लिए। तो हम अपनी चोली की इतनी ही लंबाई रखेंगे और इसको देखो ऐसे लगा देंगे। अब ये देखो जैसे आपने ये वाली पट्टी ली है, ये वाली पट्टी, इस पे आपको ये वाली लेस लगानी है, तो आप इस पे ऐसे खोल के और ऐसे लेस लगा लेंगे, ऐसे इसको कटाव को बाहर रखेंगे जितना भी बड़ा कटाव होगा, और इसके नीचे आप साथ साथ एक बुकरम की पट्टी भी सिल देंगे, तो आपको दोबारा सिलाई नहीं देनी पड़ेगी। मैं अभी आपको न्यूज़पेपर से काट के बता रही हूँ। देखो ऐसे आपको एक सीधी पट्टी बुकरम की लेनी है, तो आप सबसे पहले ये रखेंगे बुकरम और फिर ये ऐसे नेट रखेंगे और इसके ऊपर आप ये लेस लगाएंगे, ऐसे ऐसे रख के आप इन तीनों को एक साथ सिल देंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, जितनी भी आपकी मोटी लेस चौड़ी लेस है उसी के हिसाब से 2-3 सिलाई आप दे देंगे ऐसे। ऐसे तैयार करने के बाद अब मैं आपको चुन्नट डालने बताती हूँ, आपको चुन्नट कैसे डालने हैं। देखो ऐसे हम सुई धागा लेंगे या मशीन से खींचने वाली सिलाई लगाएंगे ऐसे, अगर आप सुई से ले रहे हैं तो ठीक ठीक ले लीजिए, ज़्यादा बारीक बारीक टाके मत लीजिए। ऐसे आपको जितनी भी बड़ी पट्टी है सब में ऐसे ऐसे डालना है, ऐसे देखो ऐसे जितना भी हमें घेर चाहिए उतने हम ऐसे चुन्नट डाल लेंगे और इस धागे को ऐसे खींच लेंगे ऐसे। अब हम इसको यहाँ से एक गांठ मार लेंगे और ऐसे रखेंगे और इसमें यहाँ पे अब हम अपनी तैयार चोली को लगा देंगे। देखो जैसे इसमें लगाई है ऐसे, इस तरह हम इसकी चोली को ऐसे लगाएंगे। देखो इस तरह कान्हा जी की गर्मियों की ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।